वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज की रेसिपी है वेज थाली, और आज के इस वीडियो में दो अलग तरह के की वेज थाली इंक्लूड है। तो सबसे पहले बनाते हैं वेज थाली टाइप वन। तो इसमें कैबेज सब्जी है, इंस्टेंट रसम है, सलाद है और रोटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कैबेज की सब्जी की या फिर पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी। तो एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पर हम डालेंगे, फिर उसमें राई, हींग और क्रश्ड गार्लिक डालेंगे। गार्लिक की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा ही रखिए, उससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद हरी मिर्ची को लंबा बीच में से कट करके वो डाल देंगे और करी लीव्स डालेंगे। फिर हल्दी और 3 बार वॉश की हुई पत्ता गोभी और नमक डाल के उसको ढककर पकाएंगे। पानी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए, क्योंकि पत्ता गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो टेस्ट बिगड़ सकती है। फिर पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के बाद यहाँ पर बनाते हैं इंस्टेंट रसम। पैन में घी डालेंगे, उसमें क्रश्ड गार्लिक डालेंगे, उसमें ड्राई चिली डालेंगे 2, और फिर उसके बाद उसमें टर्मरिक डालेंगे और टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए उसमें बिना पानी डाल के आप ग्राइंड कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा एक टमाटर उसमें चॉप करके भी आप डालिए। फिर टमाटर गलने के बाद उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे हमने मूंग दाल का फ्लोर का घोल बना लिया है, तो उसमें आधा कप मूंग दाल के फ्लोर में आप 1.5 कप वाटर डालिए और फिर बॉइलिंग वाटर डालिए। जब इसको बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर आएगी, तो वो लेयर को आप हटा दीजिए और फिर उसको अच्छे से 15 मिनट के लिए आप बॉईल कर लीजिए। अगर आपके पास प्रेशर कुक की हुई मूंग की दाल है या फिर अरहर की दाल है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये इस टाइप से भी रसम इंस्टेंट बना सकते हैं। फिर गर्मा गर्म रसम, गर्मा गर्म रोटी, कैबेज की सब्जी और सलाद के साथ प्लेट अरेंज करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब बनाते हैं सिंपल वेज थाली टाइप 2। तो उसमें हम कद्दू की सब्जी, दिल लीव्स की सब्जी और दाल चावल और रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले दाल चावल की रेसिपी देखते हैं, वो भी इंस्टेंट पॉट में। तो अगर आपको एक साथ दाल चावल इंस्टेंट पॉट में बनाने हैं तो उसके लिए आप दाल और चावल को 2 अलग अलग छोटे बर्तनों में निकाल लीजिए। यहाँ पे 1/2 कप तुअर की दाल ली हुई है, उसको 3 बार आप वॉश कर लीजिए और फिर उसमें 1.5 कप पानी डाल के, हल्दी डाल के, हींग डाल के उसको आप साइड में रख दीजिए। फिर राइस को भी आप वॉश कर लीजिए 3 बार, और उसमें भी 1 कप राइस के लिए आप 2 कप पानी ऐसे डाल दीजिए, और उसमें नमक डाल के दोनों एक साथ इंस्टा पॉट में कुक करने के लिए रख दीजिए। इंस्टा पॉट को बीन मोड पर सेट कर दीजिए। फिर बनाते हैं पम्पकिन या फिर कद्दू की सब्जी। तो पम्पकिन को आप कट कर लीजिए और फिर ग्रीन चिली, गार्लिक और हरे धनिया का पेस्ट कर लीजिए। बिना पानी डाले हुए आपको ये ग्राइंड कर लेना है। फिर एक पैन में ऑयल, मस्टर्ड सीड और हल्दी और ये जो क्रश्ड मिर्ची का पेस्ट है वो डाल के अच्छे से उसको फ्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें चॉप किया हुआ पम्पकिन डालिए और फिर उसको आप अच्छे से भून लीजिए। उसमें आप नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा ही पानी, 1/2 कप पानी डाल के उसको ढककर कुक होने के लिए रख दीजिए। और अब साइड में ही हम बनाते हैं दिल लीव्स की सब्ज़ी। दिल लीव्स की सब्ज़ी को शेपू की सब्ज़ी या फिर सोआ की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो उसके लिए आप दिल लीव्स को अच्छे से वॉश करके कट करके साइड में रख दीजिए। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल और क्रश्ड गार्लिक या फिर चॉप किया हुआ गार्लिक और सूखी लाल मिर्च डालिए, और उसमें जो चॉप किया हुआ सोआ या फिर शेपू की सब्ज़ी है वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और बिना पानी डाले हुए उसको ढककर आप कुक कर लीजिए। ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दिल की सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है, इससे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं और ब्लड शुगर लेवल भी इससे कंट्रोल होता है। तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक इसको आप खाने में शामिल किया कीजिए, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अभी बनाते हैं रोटी। तो रोटी के लिए आटा भिगो के रखेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर यहाँ पर जो साइड में दिल की सब्ज़ी जो 10 मिनट में पककर बनकर तैयार है उसमें रोस्टेड पीनट पाउडर आप डाल लीजिए। फिर से 2 मिनट के लिए उसको कुक कर लेंगे। फिर यहाँ पे साइड में जो पम्पकिन की सब्ज़ी बन रही थी उसको चेक करेंगे। पम्पकिन गलने के बाद उसको स्मैशर की हेल्प से स्मैश कर लेंगे। और अब बनाते हैं रोटी। तो रोटी बनाने के लिए मीडियम साइज़ की लोई लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे, फिर ऑयल ब्रश से उसको ऑयल लगाएंगे, उसको फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसकी अच्छी सी रुमाल जैसी घड़ी कर लेंगे, उसको चारों साइड से प्रेस करेंगे।
फिर आटा लगाकर उसको बेलने के लिए लेंगे। तो अगर आप रोटी बनाने के लिए नए हैं तो किनारों से आप उसको हल्के हाथों से प्रेस करके गोल शेप देने की कोशिश कीजिए। फिर उसको बेलने के बाद तवे पे आप दोनों साइड से स्पैचुला की हेल्प से उलट उलट पलट कर उसको सेक लीजिए। फिर ऑयल लगा के उसको रख दीजिए। अब इंस्टेंट पॉट में तो दाल चावल रखे हुए थे, इनको निकाल कर हैंड मिक्सर से दाल को फाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी और नमक डाल दीजिए और फिर से बॉईल करने के लिए रख दीजिए। और फिर प्लेट अरेंज कीजिए। दाल राइस के ऊपर गर्मा गर्म घी डाल के रोटी और दोनों सब्जियां डालकर सर्व कीजिए। ये दोनों थाली की रेसिपी आधे पौने घंटे में बनकर तैयार हो जाती है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन वाइब्स।